को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर दरभंगा के चंदन पट्टी में पूरी हुई तैयारी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पुराने छात्रों से गुलजार होगा कैंपस। स्थापना दिवस में देश विदेश से पहुंचेंगे पूर्व छात्र। हायाघाट के कौशल विकास केंद्र पर किया गया युवा संसद कार्यक्रम। दरभंगा के शिवाजी मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी कर जब्त की शराब। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर फलेरिया रोगियों का लिया जा रहा है ब्लड सैंपल। नमस्कार, सी टीवी मिथिला में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। 23 फरवरी को हायाघाट प्रखंड के चंदन पट्टी स्थित मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस में अल्पसंख्यकों के विकास की कई योजनाओं का शुभारम्भ सीएम नीतीश कुमार करेंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता अली असरफ फातमी ने इस मामले पर कई जानकारियां दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री बुआ जदयू के नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि चारों तरफ खुशी की लहर है। जहां एक तरफ इस इलाके के लोग काफी खुश है, दरभंगा के लोग खुश है, वही बानू परिवार में कितनी खुशी है। बड़ी खुशी की बात है कि यहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं और यहां एक सिंबॉलिक तौर पर बिहार सरकार के द्वारा जो अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी एक तरफ से प्रदर्शनी समझ लो, फाउंडेशन समझ लो या उनका ऐलान समझ लो, ये सारी चीज यहाँ पे होगी। चारों तरफ खुशी की लहर है। जहाँ एक तरफ इस इलाके के लोग बहुत खुश हैं, दरभंगा के लोग खुश हैं, वहीं पर मानो परिवार में कितनी खुशी है। बड़ी खुशी की बात है कि वो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और यहाँ एक सिंबॉलिक तौर पे बिहार सरकार के द्वारा जो अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी एक तरह से प्रदर्शनी समझ लो, फाउंडेशन समझ लो या उनका ऐलान समझ लो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं, लगभग 80 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। हमें मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिली है, इसके हिसाब से सारी तैयारी की जा रही है और सिक्योरिटी के हिसाब से भी सारी तैयारी की जा रही है। देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लगभग 80 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास होनी है। मुख्यमंत्री जी आने का सूचना मिली है, उसके हिसाब से सभी तैयारियाँ पूरी की जा रही है और सिक्योरिटी के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से सभी तैयारियाँ पूरी है। जिसके घर पुलिस फोर्स पर्याप्त लगाया जा रहा है, ब्रीफिंग आज हो चुकी है और जगह जगह पर हम लोग जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से प्रोग्राम सर। कितने बजे तक मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा? 1 बजे के आसपास आने का। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 95वें स्थापना दिवस समारोह के एक दिन पूर्व 1970 के बैच के डॉक्टरों का मिलन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पढ़कर देश विदेश में रह रहे 100 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 95वां स्थापना दिवस समारोह के एक दिन पूर्व 1970 बैच के डॉक्टरों का मिलन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में DMC से पढ़कर देश विदेश में रह रहे 100 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। मौके पर 1970 क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सहित कई लोगों ने पूर्व छात्रों को संबोधित किया। वहीं शाम में पूर्व छात्रों के बैच ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। मौके पर 1970 सत्र के पूर्व छात्र रह चुके और वर्तमान में बिहार सरकार के स्वास्थ्य के डायरेक्टर इन चीफ के पद पर कार्यरत डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि गोल्डन जुबली कार्यक्रम में भाग लेकर बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम लोगों ने एडमिशन लिया था उस समय भारत समेत पड़ोसी देश नेपाल के छात्रों ने भी एडमिशन लिया था। सत्र पूरा होने के बाद सभी एक दूसरे से बिछड़ गए, लेकिन आज इस कार्यक्रम में मिलकर पुरानी यादें ताजा हो गई। हमारी मातृभूमि रही है, जैसे बच्चा कहीं भी रहे, किसी भी पोजीशन में रहे, अपनी माँ से जुड़ा रहता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन इंग्लैंड में है, अमेरिका में है और दरभंगा में दुर्भाग्य से जो मृत प्राय हो गया था उसको मैंने पटना ही में जीवित किया और फिर डॉक्टर
लिख स्वर्गीय शंभुनाथ चौधरी जी के रिक्वेस्ट पर हम लोग और गणपति मिश्रा, मैं गणपति, डॉक्टर गणपति मिश्रा, वो भी अब स्वर्गीय हो गए, और जो और लोग थे उनके सहयोग से, गणपति मिश्रा, रमन और भरत जी के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ शुरू किया। अब तो ये फल फूल और फल भी हो रहा है, और आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है जिससे कि लोग जाने कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अभी भी जीवंत है, और हम लोग इसको हर तरह से कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ाते। आज का कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम तो जो अमर कान झा अमर या यहाँ के करेंगे, हम तो हर साल आते ही हैं और जब तक जिंदा हैं आते रहेंगे। क्या था कार्यक्रम, क्या है सर? कितनी खुशी हो रही है पूरा अपने बैचमेटों से मिलने के लिए। बैचमेट्स नहीं है, सारे के सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। अभी जितने प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के, डायरेक्टर हैं, इन चीफ हैं, चाहे और सब हमारे विद्यार्थी रहे हैं। तो देख कर खुशी होती है कि किसी पौधे को आप लगाइए और वो इतना बड़ा हो जाए, तो सबसे खुशी दो ही को होता है। अगर बागवान को छोड़ दीजिए तो या तो फादर को या टीचर को। एज ए टीचर मैं सबसे खुश हूँ कि हमारे बच्चे इतने आगे बढ़ गए। बता दें कि DMCH का 95वां स्थापना दिवस समारोह 23 फरवरी को कॉलेज परिसर में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर के कॉलेज परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत पुराने कैंपस में झंडा उत्तोलन के साथ होगा। इसके बाद 1970 बैच के पूर्ववर्ती छात्रों की अनुवाई में शोभा यात्रा प्राचार्य कार्यालय स्थित पुस्तकालय पहुंचेगी, जहां महाराजा का रामेश्वर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा। माल्यार्पण कार्यक्रम के बाद पद्म श्री डॉक्टर मोहन मिश्र समारोह का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश के करीब 900 चिकित्सकों के शामिल होने की उम्मीद है। दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर मोहल्ले में दंगा नियंत्रण बल उत्पाद विभाग नगर थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी में कारोबारी कृष्णा महतो के घर के अंदर बने तहखाने से शराब बरामद की गयी। आपको बता दें कि कृष्णा महतो पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। काला उजला बुल्लू कीड़ा हरा नहीं होगा। तो सभी थाना को और हम सबको भी, हम सभी को सीआईटी बल को भी निर्देश है कि थाना को सहयोग करें। थाना अध्यक्ष नगर ने अपने क्षेत्र में होली के अवसर पर या विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पीछे असामाजिक तत्व, शराब बेचने वाले, रखने वाले और अपराधियों के बीच में छापामारी जारी है। आज छापामारी के दौरान में थानाध्यक्ष के द्वारा टीम गठित किया गया, सूचना दी गई। सूचना के आधार पर हम लोगों ने छापामारी किया शिवाजी नगर में, जिससे काफ़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है और कृष्णा महतो गिरफ्तार हुए हैं। संजय शराब माफिया लाला सहनी, रवि सहनी है, और तीनों चारों के घर पर छापामारी की गई। काफ़ी मात्रा में शराब बरामद है और छापामारी जारी है। कृष्णा कुमार बरामद गिरफ्तार किए गए हैं और अन्य के विरुद्ध में छापामारी जारी है। कितना दशमलव 535 लीटर बरामद हुआ है। बोतल भिन्न भिन्न है, 1110 शीशी बरामद हुआ है, जिसमें भिन्न भिन्न तरह की शराब पाई गई है। और विशेष जानकारी के लिए रॉयल ग्रीन है, ऑफिसर चॉइस है, रॉयल स्टेक है, रॉयल स्टेक पाया गया है, और मैकडुएल नंबर 1 पाया गया है, किंग गोल्ड पाया गया है, और इंपीरियल ब्लू है। कितना पैक का, कितना पैकेट पकड़ा गया? 573। अब माफिया हैं ये लोग, कई बार जेल जा चुके हैं और ये लोग आदत से मजबूर हैं। पुलिस इन लोगों की निगरानी रखी हुई है। जैसे ही शराब बरामद लाते हैं बाहर से, सूचना के आधार पर हम लोग गिरफ्तारी कर लेते हैं, जेल भेजते हैं। होली का समय लगातार छापामारी जारी है और हम लोग शराब माफिया पर अंकुश लगाए हुए हैं, लगा हुआ है, और इन लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और इन लोगों को मनोबल को तोड़ा जाएगा। आम जनता को हायाघाट प्रखंड के घोषरामा पंचायत के बांस ड्री मजार के निकट NRC और CA के विरोध में ग्राम यात्रा के माध्यम से आस पड़ोस के लोगों को गोलबंद किया गया।
या तो समझ रहे हैं कि किस तरह का खतरा है, लेकिन जिस पर जैसे खतरा है पासवान पर, दास पर, राम पर, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी बहुत करने के बजाय हम लोग को उस लोगों भी जो अल्पन जमात है, कितना ही समाज है जिस पर जैसे खतरा है, आज संपूर्ण देश में उन्हीं पर हमला है, SC ST पर हमला है, संविधान पर हमला है, उनके निर्वाह हम कहने के लिए आए कि आप रोजी रोटी में लगिए, रोजी रोजगार पर बात करिए सरकार से, भाजपा के लोगों से, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर अगर आप जाइएगा तो देश को जा ही रहा है साथ में, आप गरीबों को भी कोई रखने वाला नहीं रहेगा, इसलिए अभी जाने जरूरत है गरीबों को हम लोग को समझाने की। देश में दरभंगा जिला में शाही भाग आंदोलन चला, लेकिन 24 तारीख से विधानसभा का सत्र की शुरुआत है। जो भी वर्तमान सरकार है इसने CAA का NRC NRP लाकर इस देश में भ्रम फैलाने का काम, इस भ्रम को हम लोगों ने के खिलाफ जैसे गांधी जी गांव गांव से आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, हमने ग्राम यात्रा सेवनिया से स्टार्ट किया, सेवनिया के बाद नया टोला पूर्वी बिलासपुर, बिलासपुर होते हुए ओलियाबाद होते हुए यात्रा अभी पांचटी आई है। ये यात्रा का मूल उद्देश्य है कि जो हम वर्तमान सरकार है जो NPR लाया है उसमें छेद को चेंजिंग करें, CAA वापस ले, इस बेरोजगारी को दूर करें, अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है उस पर ध्यान दें, और जो भी योजनाएं हैं हम लोगों का डिमांड है कि NPR की जगह NRC की जगह पर NRU रजिस्टर बनावे, नेशनल अनएम्प्लॉयड रजिस्टर बनावे, ये हम लोगों का मूल जो है सो मांग है सरकार से। क्या नाम है? डॉक्टर खुदादाद अब्दुल अली, प्रदेश महासचिव युवा। दरभंगा में अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देश पर जिले में फाइलेरिया से संभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा फाइलेरिया के रोगी की खोज के लिए रात में ब्लड सैंपल लेकर स्लाइड तैयार किया गया। अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी फाइलेरिया के निर्देश पर जिले के फाइलेरियो से संभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा फाइलेरिया रोगी की खोज के लिए रात में भी ब्लड सैंपल लेकर स्लाइड तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर के शहर के वार्ड नंबर 3 वेला इलाके में नाइट ब्लड सर्वे अभियान का आयोजन किया गया। वहीं 252 लोगों का फाइलेरिया जाँच के लिए ब्लड सैंपल से स्लाइड बनाकर जिला मुख्यालय में ले जाया गया। मौके पर स्थानीय वार्ड पार्षद देवकी देवी ने भी अपना जांच कराई। इस मौके पर फाइलेरिया जांच टीम में शामिल मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने बताया कि इस रोग से ग्रसित महिलाओं की खोज के लिए रात्रि के समय ही व्यक्तियों के खून के नमूने एकत्रित किए जाते हैं, क्योंकि इसके परजीवी रात में ही सक्रिय होते हैं। जिले में सभी स्लाइड को माइक्रोस्कोप में जाँच किया जाएगा और फाइलेरिया पॉजिटिव पाए जाने वाले स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें निःशुल्क दवा व इलाज किया जाएगा। हम लोग स्वास्थ्य विभाग की ओर से वार्ड नंबर 3 के बेला में फाइलेरिया जांच के लिए नाइट ब्लड सर्वे का यहां पे शिविर लगाएं, और यहां जितने भी लोग आए यहां पे शिविर में सभी लोगों का ब्लड सैंपल लेकर के स्लाइड तैयार करके हम लोग यह स्लाइड को जिला में ले जा रहे हैं, वहाँ माइक्रोस्कोप से जाँच करेंगे, और जांच के बाद जिनको भी फाइलेरिया का परजीवी पाए गए हैं उनका फाइलेरिया का पूरा इलाज मुफ्त किया जाएगा। अकील अहमद, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। हायाघाट प्रखंड स्थित कौशल विकास केंद्र पर नेहरू युवा केंद्र के बैनर तले युवा सांसद कार्यक्रम किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि सरकार द्वारा जितनी भी जनहित योजनाएं चलाई जा रही है उसका सही रूप से प्रदर्शन किया जा सके। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड स्थित कौशल विकास केंद्र पर नेहरू युवा केंद्र के बैनर तले परोस युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जितनी भी जनहित ऐसी योजना चलाई जा रही है उसे सही रूप से सबके सामने दिख सके, इसके लिए एक क्लब का गठन किया गया। सभी पंचायत वार्ड पर चलाई जा रही योजना में त्रुटि को सुधार करने के लिए वहाँ के प्रधान को सूचना दे एवं इसे सही रूप से कार्य का क्रियान्वयन करावे, इसके बारे में बताया गया। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या? यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जो अभी पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं
और सभी राज्य के जिले में और प्रखंड में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी युवा हैं उनको से जोड़ करके और राष्ट्र निर्माण में उसको लगाना है। चूँकि माँ भारती का सेवा करने के लिए सभी युवा हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या देखिए, कोई भी कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सबको बताना सिखाना जो हम जानते हैं। तो कार्यक्रम ये पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम, तो युवाओं को किस तरह क्या है गाँव को युवाओं को किस तरीके से सही मार्गदर्शन दिखाया जाए, सही रास्ता दिखाया जाए, ताकि युवा देखे समझे और जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड में वो कार्यरत रहें, मेहनत करें, आगे बढ़े। क्या नाम हुआ? मेरा अभय कबीर रायचंद नाम। क्या है आप? एक्टर। दिन भर की खबरों से विदा लेती हूँ, नमस्कार।